Hello everybody, I am Dr. Pradnya Aptekar, practicing as an Ayurvedic gynecologist in Thane for last 17 years. और I am a infertility specialist. और इस वीडियो में हम बात करेंगे infertility का जो common cause है, that is tubal block. जैसे इसमें fallopian tubes block होने की वजह से naturally conception नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है. तो हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये ट्यूबल ब्लॉक क्या है और इसमें आयुर्वेद क्या कर सकता है. तो जैसे कि आप इधर देख रहे हैं कि ये जो है ये यूट्रस है, दीज आर फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज. ये जो हमें यूट्रस का ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें पीरियड के 14वें 16वें दिन पे एक एक ओवरी से, अल्टरनेट राइट या लेफ्ट ओवरी से एक एक अंडा निकलता है. और ये जो वजाना है, इधर से स्पर्म्स ऊपर चले आते हैं. अगर स्पर्म्स अच्छे हैं तो ये चले आते हैं फेलोपियन ट्यूब में और ये अंडे को फोड़ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. तो ये जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, ये ट्यूब में होता है. अगर ये ट्यूब में सूजन हो या फिर ये ट्यूब्स ब्लॉक हो, उसमें एडिमेटस चेंजेस हो, हाइड्रोसेल्फिंग्स हो, जैसे कि पानी उधर जमा हुआ हो, तो ये ट्यूब्स काम नहीं करती है और इधर फिर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो नहीं पाती है. तो वो इसकी वजह से फिर इनफर्टिलिटी का सामना पेशेंट को करना पड़ता है. तो अभी हम जानते हैं कि ये कॉजेस इसके जो है वो बहुत तरीके से होते हैं, लेकिन कॉमनेस्ट कॉज जो रहता है वो बहुत बार पेट का टीबी होने की वजह से इसमें हमें ये ट्यूबल ब्लॉक्स दिखाई देते हैं. और टीबी छोड़ के भी अदर भी कोई फैक्टर्स है, जैसे क्लाइमेडियल इन्फेक्शन रहता है या फिर कोई सूजन रहती है, तो इसमें एंडोमेट्रोसिस भी रहता है, तो जिसकी वजह से इधर चिपका चिपकी हो जाती है, एडेजेंस हो जाते हैं और ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है. तो ये ट्यूबल ब्लॉक की वजह से गर्भधारणा जो है, कंसेप्शन जो है, वो हो नहीं पाता. तो आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? तो इसके बारे में हम दो तीन तरीके की चिकित्साएँ करते हैं. मेरे क्लिनिक में हम एक जो चिकित्सा रहती है, ट्यूबल ब्लॉक दूर करने के लिए हम उत्तर बस्ती नाम की चिकित्सा करते हैं. जैसे कि इधर अंदर हम योनि मार्ग के ज़रिए, वजाइना के ज़रिए हम कुछ दवाइयाँ अंदर डाल देते हैं, जैसे कि यूट्रेन कैविटी में डाल देते हैं, अंडर टोटली डिसीज अंडर असेप्टिक प्रिकॉशंस, ये सब हम करते हैं. तो ये जो दवा है वो अंदर चली आती है, अंदर से ये ट्यूब में चली आती है और ट्यूब को हम साफ़ कर देते हैं. तो ये जो चिकित्सा रहती है वो हम करते हैं पीरियड के ब्लीडिंग ख़त्म होने के बाद 10 दिन के अंदर, 3 से 5 दिन तक. केस टू केस ये डिफ़र करता है, 3 दिन हो या 5 दिन हो, तो हम अंदर ये दवा डालते हैं. इसको हम उत्तर बस्ती कहते हैं. तो इससे ये ट्यूबल ब्लॉक जो है वो दूर होते हैं और अगर ट्यूब में कोई सूजन हो या फिर कोई एडेजेंस हो तो वो कम हो जाते हैं. लेकिन अगर टीबी ज़्यादा फैला हुआ है, अगर ग्रेड 4 का टीबी है या फिर ग्रेड 4 का एंडोमेट्रियोसिस है, तो ट्यूब खुलने के बावजूद भी शायद हमें चांसेस नहीं मिलते हैं. तो इसके लिए फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ता है. लेकिन उत्तर बस्ती का इसको उपयोग होगा या नहीं होगा, ये हम केस देखने के बाद ही तय कर सकते हैं. लेकिन उत्तर बस्ती का दूसरा फ़ायदा भी ऐसा होता है कि जो यूट्रेन कैविटी जो है, तो उसका एंडोमेट्रियल लाइनिंग हम बढ़ाने के लिए कर सकते हैं. तो किसी का ट्यूबल ब्लॉक होने के बावजूद अगर वो खुल नहीं रहा हो या फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाना पड़ रहा हो, तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए. तो उसके लिए हम उत्तर बस्ती का उपयोग कर सकते हैं. और इसके लिए भी अंदर से भी, पेट से भी हम कुछ दवाइयाँ देते हैं. तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू labrate.com. थैंक यू.